हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों ने अभी जो ताऊते चक्रवात के बाद सुना होगा कि एक और चक्रवात भारत की ओर बढ़ा है और भारत में जो है इसमें प्रवेश किया है, उसका नाम है यास चक्रवात। तो चक्रवात के बारे में, यास चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें क्या क्या फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होगा, प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके टॉपिक की क्लियरिटी जो है वो आप जान सकें। तो पढ़ते हैं यास चक्रवात के बारे में। यास चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये इसे जो है IMD ने जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम की कैटेगरी में रखा है। और यास चक्रवात का जो ये नामकरण है, यास नाम, ये ओमान ने दिया है। और यास का मतलब ओमान में जो है अरबी भाषा में एक फ्रेग्रेंस वाला ट्री होता है जो जिसे जासमीन के बारे में बराबर माना जाता है। तो यास मतलब एक सुगंध वाला जो है पौधा, उसको कहते हैं। तो इसे ओमान द्वारा दिया गया है। तो नामकरण के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि UNSCAP जो है वो, उसका रीजनल एजेंसी जो है वो यहाँ पे 13 देश जो हिंद महासागर के तटीय है, तटवर्ती देशों के जो है 13 देश, उन्होंने 13 13 नाम दे रखे हैं और उनमें सीरीज में जो है नाम आता जाता है। तो अब कोई अगला जैसे भी आएगा तो उसको नाम, वो जो बन उसका चक्रवात का नामकरण होगा वो गुलाब होगा, जो पाकिस्तान द्वारा दिया गया होगा। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति है सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान सागर में हुई है। अब एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो चक्रवात अभी पहले ताऊते आया, उसके बाद अभी ये यास आया, तो ये अभी इस टाइम में ये चक्रवात इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो है जून महीने में जो सूर्य जो है वो कर्क रेखा के लगभग आसपास होगा, वो 21 जून पर कर्क रेखा पर लंबवत होगा। तो इस दौरान जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में सूर्य जो है सीधी किरणें पड़ेगी और वहाँ पे जो है गर्मी बढ़ जाती है। तो उसकी कारण जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है और उसी वजह से यहाँ पे चक्रवात आते हैं। तो सबसे ज़्यादा चक्रवात इसी अप्रैल मई जून जून में नहीं आते, अप्रैल और मई महीने में देखे जाते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। ठीक है, तो इसका लैंडफॉल जो होगा वो फोटो में आप लोग देख सकते हैं, देखिए कि जहाँ ये अंडमान सागर में यहाँ पे उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे जो है बढ़ते हुए इसका लैंडफॉल फाइनली हुआ, वो हुआ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो वहाँ पे हुआ है। और उसके बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता पड़ता झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी इसका प्रभाव देखा गया है। झारखंड में अभी अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अभी मैंने बताया कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम है। तो ये क्लासिफिकेशन करता कौन है? तो ये क्लासिफिकेशन करता है भारतीय मौसम विभाग जो है वो करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये जो है इसका किस आधार पे किया जाता है? तो चूंकि इस यास चक्रवात की जब लैंडफॉल के टाइम जो है स्पीड जो थी वो लगभग 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड थी, इस कारण इसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम रखा गया है। तो ये आप जो है ये क्लासिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। जैसे डिप्रेशन होता है उसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, डीप डिप्रेशन जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, साइक्लोनिक स्टॉर्म जब होता है जब 60 से ऊपर 88 तक जो है ये स्पीड होती है, फिर सीवियर, फिर वेरी सीवियर, और जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसकी स्पीड जो होती है 222 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लोन का एक जो है मैं चित्र दे रख रहा है, यहाँ पर बीच में जो है रेड, जो है रेड वाला एरिया है, इसे ही साइक्लोन की जो है आँख कहा जाता है। तो साइक्लोन की आँख जो होता है बेसिकली कुछ नहीं, वो लो प्रेशर जोन होता है और उसी के आसपास से हवाएं जो है इस लो प्रेशर को बढ़ने के लिए आती है, लेकिन वो जो कोरियोलिसिस बल के कारण ये ऐसे ही चक्रीय गति करते हुए ऊपर उठती है और फिर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो हमेशा चक्रवात जो है नीचे चक्रवात है तो ऊपर प्रति चक्रवात बनता है और हवाएं बाहर की तरफ जाती है। और यहाँ पे वर्षात जो है चक्रवात की आंख के पास के एरिया में, आंख वाले एरिया में कम, बाकी पास वाले जो एरिया होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है। इस प्रकार चक्रवात आप समझ सकते हैं। तो आखिर में हम हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। यास चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुआ है और यास चक्रवात का नामकरण जो है ओमान ने किया है। उपरोक्त रत्नों में से कौन सा से सही है? प्लीज़ इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। मैं और इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए।
तो इसका आंसर जो है वो होगा केवल दो, क्योंकि यास चक्रवात जो अभी मैंने बताया कि ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और यास चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया है, बिल्कुल सही है। तो थैंक यू एवरीवन।